नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, बवासीर को ठीक करने का उपाय। तो बवासीर मेनली पाइल्स, जो कि दो तरह की हो सकते हैं, खूनी बवासीर भी हो सकती है, बादी वाली बवासीर भी हो सकती है। बादी वाली बवासीर में मेनली मस से बाहर आ जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खुजली होती है, जलन होती है, चुभन होती है। और खूनी बवासीर में मसों में से खून आता है, चाहे ड्रॉप ड्रॉप करके आए या बहुत ज़्यादा पिचकारी करके आए। और खून के साथ साथ दर्द रहता है, जलन होती है, खुजली होती है। तो बवासीर की शिकायत मेनली कब्ज़ रहने के कारण हो सकती है, गलत खान पान की वजह से हो सकती है, ज़्यादा फास्ट फूड, तली पली चीज़ें खाने की वजह से, मैदे की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने के कारण, समय पर ना सोना, समय पर ना खाना, पेट खराब रहने के कारण। मेनली आंतों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से अक्सर बवासीर की शिकायत हो जाती है। तो बवासीर के लिए आज बहुत ही बढ़िया एक होम्योपैथिक दवा मैं आपको बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर पायरो प्लस BC17। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव फार्मूलेशन है और दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा रहता है, पीने के लिए डॉक्टर पायरो ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 17 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा तेज मिर्च मसाला, तारीफ वाली चीज़ें ना लें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.tactis.in या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285742000। और आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर कॉमेंट में भी दे रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।